2009 तक तो ठीक था मामला, 9 के बाद इन्होंने दलितों महादलितों को बांट दिया, पासवान को अलग कर दिया, बाकी दलितों को अलग कर दिया, भारत के संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया। शासन से इकबाल खत्म हो गया है और पार्टी को ललन सिंह ने लालू यादव से मिलकर गिरवी रख दिया। नीतीश कुमार जी, लालू यादव उनके यहाँ नहीं आते, नीतीश कुमार जी जाते हैं, लाचार है। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी ललन सिंह लालू यादव के यहाँ गए। तो लालू यादव के यहाँ से 10 नंबर से संचालन हो रही सरकार, सड़क सिर्फ बना दिए तो उसी से अच्छे हो गए क्या? हमारे यहाँ बिजली नहीं है 200-250 गाँव पर, कैसे आप कह सकते हैं कि विकास की किरण सब जगह पहुंच गई है? सोलर दिया, LNT का सोलर पूरी तरह फेल है, कहीं नहीं जलता है, लालटेन का आप तेल भी नहीं मिलता है। RLSP से मैं MLA बना 2015 में, ये तीनों एक साथ थे तो मैं 17,000 से चुनाव जीत के आया। मुझे हराने के लिए 7 गो मीटिंग किए थे लेकिन हरा नहीं पाए, और इनके साथ आए तो फिर हम हार गए। मुझे तो कहते थे कि ललन पासवान के समझाना, पैदल कलकत्ता जाना, इसलिए कि आरक्षण के सवाल पर ललन पासवान समझौता, दलितों के सवाल पर समझौता नहीं करता है, चाहे MLA रहे या चूल्हा भाड़ में जाए। कॉरपोरेट की पार्टी बन गई, मैनेजरों की पार्टी बन गई है यहाँ। पॉलिटिकल, मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल आवाज उठाएगा, अधिकार की बात करेगा, सम्मान की बात करेगा, मुख्यमंत्री के सवाल पर अगर कोई चर्चा करेगा तो या तो राजनीतिक जिह्वा काट ली जाएगी, नहीं तो सरकलम कर दिया जाएगा। दोनों देखिए, नीतीश कुमार जी उसमें कम थोड़े हैं, ललन सिंह तो है ही है, तो नीतीश कुमार जी उसमें कम नहीं है। नीतीश जी बोलते नहीं है लेकिन काटते हैं, वो पता भी नहीं चलता। मंडल आयोग के समय लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, आज जब सत्ता पर बैठ गए तो गरीबों के मसीहा से रास्ता बदल गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ अनुपम। देखिए, चेनारी के पूर्व विधायक और जदयू के सह प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर क्या माजरा हो गया है कि वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, जदयू का साथ छोड़ दिए हैं? ललन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, बताइए आखिर क्या हो गया आपको भाई? एक ललन सिंह दूसरे ललन सिंह पे आरोप लगा रहे हैं, ललन पासवान दूसरे ललन सिंह पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नाम से चरित्र का निर्माण थोड़े होता है, व्यक्ति का अलग अलग जितना रूप है उतने स्वरूप है, अलग अलग चरित्र होता है। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, आरोप ये कह रहा हूँ कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से, ये आपको ही नहीं पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार का सत्ता लालू यादव को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार का जन्म हुआ था। और जब शंकर, मैंने पूरा शंकर बिघा बाथे बथानी नारायणपुर, दलितों के नरसार होते, खून बहते, जहानाबाद में सेनारी हो रहा था, मियापुर हो रहा था, तब भी बिहार सत्ता बदलना चाहता था, तब नीतीश कुमार जी को अटल बिहारी वाजपेयी जॉर्ज फर्नांडिस ने आगे करके और लालू यादव को बेदखल करने का काम किया था। हम भी उस समय दलितों के सवाल पर, पार्टी नीतीश जी नहीं बनाए तब से हम दलितों के सवाल पर 90 से हम लड़ रहे हैं, प्रमोशन आरक्षण के सवाल पर। और ऐसी स्थिति में पार्टी बनी तो लगा कि मूल सिद्धांतों पर लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर है, लेकिन जैसे सत्ता बनी तो नीतीश कुमार जी सत्ता से बनने के बाद इनके विचारों और सिद्धांतों में कहीं तालमेल नहीं रहा। 2009 तक तो ठीक था मामला, 9 के बाद इन्होंने दलितों महादलितों को बांट दिया, पासवान को अलग कर दिया, बाकी दलितों को अलग कर दिया, भारत के संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ। आज इनकी ताकत नहीं है कि इन दलितों महादलितों को देश में बांट के या नया संविधान बना दे, क्योंकि संविधान संविधान है, लेकिन यहाँ इन्होंने नया संविधान बना दिया, बांट दिया, आज भी रथ घुमा रहे, नकली रथ। और बिहार में प्रमोशन, आज प्रमोशन हुआ है, 4.5 लाख लोगों को प्रमोशन दिया है, 7 साल के बाद कर्मचारी पदाधिकारियों का 4 लाख का। आप कल सवेरे देखेंगी बल्ले बल्ले हुआ 7 साल से, और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोशन पर रोक नहीं लगाया था, डायरेक्शन दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो अपना आरक्षण अपने अनुसार से दे सकती है, लेकिन अनुसूचित जाति को 17%। आज ही सिद्धार्थ कुमार है, सिद्धार्थ जी है, वो भी अनुसूचित जाति से, उन्हीं का मैं बयान देख रहा था पोर्टल पर कि फ्रीज कर दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को 17% को, माने उनको प्रमोशन में आरक्षण छोड़ दिया गया 7 साल पहले। अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगा तब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप चाहें तो अपना आप प्रमोशन में आरक्षण आप तय करके दे सकते हैं। अब 4 लाख के लोगों को मिला और अनुसूचित जाति को, दलितों को नहीं मिला, दलित आदिवासियों को नहीं मिला। इससे बड़ा अपराध और आज के दिन इससे बड़ा कलंक हमारे लिए और दलितों के लिए नहीं हो सकता। इसलिए पार्टी की वहां तक बात कर रही है, हत्या हो रहा है, मेरे यहाँ 2 पासवानों को गला काट के हत्या हुआ,
अमृत बिगा में एक पासवान को दिन दहाड़े 7 बजे सुबह में 8 बजे गोली मार दी गई। एक खुसरूपुर में एक दलित महिला के नंगा करके घुमाया गया। आप लगातार गया में, जहानाबाद में चारों तरफ हत्या, मैंने वही राज जो शंकर बिघा बातें बतानी नरसार हो रहा था, इस समय हत्या हो रहा है। तो शासन से इकबाल खत्म हो गया है और पार्टी को ललन सिंह ने लालू यादव से मिलकर गिरवी रख दिया। लालू यादव से मिलकर गिरवी रख दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी, लालू यादव उनके यहाँ नहीं आते, नीतीश कुमार जी जाते हैं, लाचार है। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी ललन सिंह लालू यादव के यहाँ गए। तो लालू यादव के यहाँ से 10 नंबर से संचालन हो रही सरकार, सरकार चल रही है लालू यादव के यहाँ से। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी जो लाचारी हो, अब सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लालू यादव के यहाँ से सरकार चल रही है और हत्या हमारे हो रहा है दलित आदिवासियों को। जब आप इतने अच्छे गुण गिनवा रहे हैं नीतीश कुमार के, कि पहले उन्होंने ये काम किए थे, अच्छे काम कर रहे थे, अब लालू यादव के यहाँ जब से गए हैं तब से ललन सिंह की वजह से इस तरह से हो रहा है, तो आप लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि भाई नीतीश कुमार इतने अच्छे काम कर रहे थे, अब डाइवर्ट हो रहे हैं या कोई उन्हें डाइवर्ट करवा रहा है, तो हम उनका साथ दें और साथ देकर मतलब उन्हें अच्छे विचार दें? देखिए, सिद्धांतों के साथ भटकने के लिए जर साहब जैसे देश के दुनिया के नेता, जिस पर कोई आज तक उंगली नहीं उठाया, जब उसको गर्दनिया दे के निकाल सकते हैं। शरद यादव जैसे लोगों को आप कह रहे हैं कि अच्छे सड़क सिर्फ बना दिए तो उसी से अच्छे हो गए क्या? हमारे यहाँ बिजली नहीं है 200-250 गांव पर, कैसे आप कह सकते हैं कि विकास की किरण सब जगह पहुंच गई है? मैं 130 करोड़ का बिजली ले गया तो मैं 2 कमिश्नर को धन्यवाद दूंगा ना, प्रत्यय अमृत को और बिजली विभाग के, और विवेक कुमार को वन विभाग के कमिश्नर को, जो मेरे आग्रह पर, मेरे सदन में दबाव के और आग्रह पर उसने सोलर दिया, LNT का सोलर पूरी तरह फेल है, कहीं नहीं चलता है। लालटेन का अब तेल भी नहीं मिलता है, बिजली मैंने आप जानकारी हो आपको हो जाना चाहिए, खाद्य आपूर्ति विभाग में अब तेल किरासन का नहीं मिलता है, ये लकड़ी जला के अपना घाना बनाता है, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। पहाड़ के आदिवासियों का 70% आदिवासी पहाड़ पर आता है, 108 गांव अधावरा के, 11 पंचायत, 2 पंचायत चेनारी, 3 पंचायत चेनारी विधानसभा का, और मैं मुख्यमंत्री को आजादी के बाद 70 सालों के बाद मैं ले गया था, आश्वासन 6 अप्रैल 2018 को देके आए, और आज 5 साल हो गया बिजली नहीं गया। मैम तो आप कह रहे हैं कि अच्छा काम करते हैं, आप ही कह रहे थे ना कि पहले वो बहुत अच्छा कर रहे थे, अब लालू प्रसाद यादव के पास गए तब से इनका काम सारा कुछ हो रहा है। मैंने कहा कि सत्ता का इकबाल जो है 2009 तक चला, 2009 के बाद सत्ता के इकबाल से नीतीश कुमार का खत्म हो गया, नौकर सारा राज चलाने लगा। लेकिन आप उनके साथ कब से कब तक जुड़े हुए थे? हम 2009 तक जुड़े, तो 9 में इस्तीफा करके हम चले गए थे, और चले गए थे तो आप गए कहां चले गए थे? तो चले गए थे तो कोई बुलाया तो मैं चला गया था, लेकिन मेरे विचार नहीं मिलने थे, मैं चला गया था। लेकिन फिर मैं वहां से निकल के RLSP से मैं MLA बना 2015 में। ये तीनों एक साथ थे तो मैं 17,000 से चुनाव जीत के आया। मुझे हराने के लिए 7 को मीटिंग किए थे लेकिन ये हरा नहीं पाए, और इनके साथ आए तो फिर हम हार गए। आए तो फिर हार गए, अब इसीलिए छोड़ना चाह रहे हैं कि फिर निकलेंगे तो जीत जाएंगे? जीतने के लिए तो उस समय भी जीत जाते, ये तो गए ही नहीं, प्रचारों करने नहीं गए। अच्छा, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक मतलब किडनी की पुण्यतिथि या कुछ थी, उस समय जदयू कार्यालय में एक समारोह रखा गया था, और उस समय जितने पासवान है सभी पासवान वहां पर पहुंच रहे थे और लगातार मतलब ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई चिराग पासवान जो है हमारे खिलाफ जा रहा है। एक पासवान जाति के वोट को जदयू में मिलाने की कवायद शुरू हो रही थी, तो क्या उस समय आप भी थे? मैं नहीं था, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया था, और जहां तक रह गई आप अभी रथ निकला है, एक पासवान को आप पता करिए तो किसी को निमंत्रण है उसमें? तो बहुत पासवान लोग नहीं, 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 तो वहां मेरे, पर मेरी बात आप उनकी प्रतिक्रिया भी जान लीजिए, एक पासवान नहीं थे, और जो रथ लेके जा रहे, आज प्रमोशन में आरक्षण बंद 7 साल हो गया, मैं 2015 में जीत के आज 16 में मैं मुख्यमंत्री से मिला, जैसे बंद हुआ कहे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, मैंने कहा सर आप अपने दे दीजिए, तो मुझे तो कहते थे कि ललन पासवान के समझाना पैदल कलकत्ता जाना, इसलिए कि आरक्षण के सवाल पर ललन पासवान समझौता, दलितों के सवाल पर समझौता नहीं करता है, चाहे MLA रहे या चूल्हाभाड़ में जाए, इसलिए हम सब जानते हैं कि दलितों के सवाल पर फांसी हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन समझौता नहीं करेगा, इसलिए हमसे ये बात पर बात नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राबड़ी आवास ललन सिंह वहां पर छुपके से पहुंच गए थे। मैं कहा तो आप नहीं मान रही हैं, मैं कहा कि गिरवी रख दिए हैं, छुपे से नहीं पहुंच गए थे, कोई तो था नहीं राबड़ी आवास में, सब तो दिल्ली गए हुए थे, एक बार तो लौट के भी चले आए।
गेट पर मुलाकातें नहीं हुई तो पार्टी, मैंने कहा ना कि ये मैनेजरों की पार्टी बन गई, कॉर्पोरेट की पार्टी बन गई। हाँ ना, कॉर्पोरेट की पार्टी बन गई, मैनेजरों की पार्टी बन गई है यहाँ पॉलिटिकल। मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल आवाज उठाएगा, अधिकार की बात करेगा, सम्मान की बात करेगा, मुख्यमंत्री के सवाल पर अगर कोई चर्चा करेगा तो या तो राजनीतिक जिह्वा काट ली जाएगी, नहीं तो सरकलम कर दिया जाएगा। राजनीति से अलग का रास्ता, दल से अलग का रास्ता दिखाएगा। जिह्वा, राजनीतिक जिह्वा का जुबान चलाइएगा तो आपका काम खत्म यहाँ से। दोनों देखिए, नीतीश कुमार जी उसमें कम थोड़े है, ललन सिंह तो है ही है, तो नीतीश कुमार जी उसमें कम नहीं है। नीतीश जी बोलते नहीं है लेकिन काटते हैं, वो पता भी नहीं चलता। अब लास्ट सवाल है कि आप अब किस पार्टी में जा रहे हैं? पासवान एक बड़ा वोट आपके साथ है, किस पार्टी में आप जा रहे हैं? देखिए, अब तो पार्टी जो विचार की मिलेगी, जहां हम तो आपको कह सकते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश के नाम पर इन लोगों ने राजनीति किया, समाजवाद की, समाजवादियों का सूरज डुबा दिया, इन लोगों ने समाप्त कर दिया। लोहिया ने 100 वर्ष पहले एक व्याख्या की है, इतना लंबा बोल नहीं पाएंगे कि हाँ, व्याख्या किया कि सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, माने गरीबों के, दलितों, शोषितों के साथ जाएगी। तो ये लोहिया क्या, कर्पूरी के विचारों को, जयप्रकाश के विचारों को तो भारतीय जनता पार्टी लाग गया, अति पिछड़ा के प्रधानमंत्री बना दिया। ये तो दलित अति पिछड़ा के नाम पर जैसे लाल कपड़ा देके सांप भड़कता है उसे भड़कता है सब। मतलब कहने का क्या मतलब है कि बीजेपी जाना है? जाना नहीं है, मैं आपको सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, जाना है कि नहीं जाना। अच्छा लग रहा है तो जाने की बात है, स्वाभाविक है। लोहिया, कर्पूरी के लोहिया के विचारों को, सत्ता ऊपर से नीचे, जिसको काता ताला की सवर्णों की पार्टी है, किसकी किसी पार्टी है, वो लोहिया के विचारों को लागू करता है। जो लोहिया के अनुयायी है वो वंशवाद की और घोटाला की, आतंकवाद के, गुंडा राज की सरकार बनाते हैं। तो सोच नहीं ना है कि भाई एक बड़ा सा पासवान जो वोट बैंक है, एक आपके रामविलास पासवान की तरफ भी है, वहाँ पर भी जाए भाई, एक पासवान एक जाए। ऐसा वोट कभी किसी के साथ परमानेंट नहीं रहता है मैम। अति पिछड़ा 36% हो गया, पहले नीतीश कुमार जी के साथ था, दलित पहले एनडीए के साथ था, आजो है। अब आप उसको कहिए कि मां दलित में तो यहाँ खूंटा से लेकर जहां तक बकरी मारने से लेकर कब्जा जो करता है, अब लड़ाई सबनों से नहीं लड़ाई है, अब तो लालू यादव के लोगों से लड़ाई है। तो लालू यादव से दलित लड़ता है ना, हत्या, बलात्कार, नरसार, अब उनकी लाठी चलती है हम पर। अब लड़ाई लालू यादव से है, गरीबों के मसीहा लालू यादव नहीं है। आप गरीबों के मंडल लाओ के समय लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, आज जब सत्ता पर बैठ गए तो गरीबों के मसीहा से रास्ता बदल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ललन पासवान हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है, सबसे पहले तो मैं आपको साफ कर दूं, अब इन्हें बीजेपी के सिद्धांत अच्छे लगने लगे हैं, इससे साफ हो रहा है, आप समझ भी सकते हैं। और दूसरी बात, इनका जो कहना है कि भाई ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी को छोड़ रहे हैं उनकी करनी की वजह से, और वो अब जदयू के ना होकर, यानी कि नीतीश कुमार के ना होकर, अब तेजस्वी यादव के हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अब दलितों की लड़ाई सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव के साथ है। चलिए, हम लोग इंतजार करते हैं ललन पासवान अब किस पार्टी में जाते हैं, किनके सिद्धांत बहुत अच्छे लगते हैं इनको। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।